अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपने चैनल पर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर आज हम एक ऐसा वजीफा लेकर आए हैं कि अगर कोई औरत अपने खावंद की वजह से परेशान है कि उसका खावंद किसी दूसरी औरत के साथ नाजायज ताल्लुक रखता है या उसके घर के अंदर हराम की कमाई लेकर आता है, तो आज एक ऐसा जबरदस्त वजीफा उनके लिए लेकर आए हैं कि इंशाअल्लाह उसका खामिन सिर्फ 11 दिन के अंदर हदायत पर आ जाएगा, सीधे रास्ते पर आ जाएगा, हर किस्म का नाजायज ताल्लुकात इंशाअल्लाह वो खत्म कर देगा। मेरे दोस्तों, अगर आप किसी भी परेशानी के अंदर मुब्तला हैं, कोई वजीफा जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट्स के जरिए आप हमसे पूछ सकते हैं। कोई दीनी मसाइल पूछना हो या ख्वाबों की ताबीर आप पूछना चाहते हो, तो वो भी मेरे दोस्तों आप कमेंट्स के जरिए आप हमसे पूछ सकते हैं। हमसे जुड़ा रहने के लिए गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें। हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मेरे दोस्तों, अगर कोई औरत परेशान है कि उसका खामिन किसी दूसरी औरत के साथ नाजायज ताल्लुकात रखे हुए है या घर के अंदर हराम की कमाई लाता है, तो अब उसको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। इस वजीफे को करो सिर्फ 11 दिन। सूरह मायदा आयत नंबर 100, قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ। सूरह मायदा की आयत नंबर 100, इस आयत को आपने 11 दिन तक 141 मरतबा पढ़ना है। 141 मरतबा इस आयत मुबारका को पढ़कर किसी खाने की चीज़ के ऊपर दम करके आप उनको खिलाएं, यानी अपने खामिद को खिलाएं। इंशाअल्लाह 11 दिन के अंदर अंदर अल्लाह पाक आपके खामिद को सही रास्ते पर ले आएंगे, इस मुसीबत से छुटकारा आपको दे देंगे। तो मेरे दोस्तों, ये बहुत बड़ा वजीफा है। और इसके अलावा कोई और आप वज़ायफ़ जानना चाहते हों या कोई दीनी मसाइल पूछना चाहते हों या आप ख्वाबों की ताबीर जानना चाहते हों, तो आप हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।